चलिए अब खबरों में आगे बढ़ लेते हैं, बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान की। जी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ने आज अपने अपने मंत्रालय में कार्यभार संभाल लिया है। शिवराज सिंह को कृषि मंत्रालय के साथ ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी मिली है, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार मंत्रालय का पदभार ग्रहण कर लिया है। शिवराज ने कहा कि हमारा सौभाग्य है, पीएम मोदी ने कृषि एवं किसान कल्याण सेवा के लिए हमें सौंपा है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो सारे देश को अन्न खिलाता है, अन्नदाता कहलाता है। उस किसान का कल्याण पीएम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैं सौभाग्य मानता हूं कि उस क्रांति को आगे ले जाने के लिए एक मौका मुझे दिया गया है। किसान अन्न के भंडार भरता है और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो सारे देश को अन्न खिलाता है, अन्नदाता कहलाता है। उस किसान का कल्याण प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषि से ही भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी और हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर 10 वर्षों से किसान कल्याण के कामों में लगी है। जहां एक तरफ दूरसंचार की प्राथमिकता है विश्व में, वहीं डाक विभाग की भी प्राथमिकता विश्व में और सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता हमारे देश में। संचार विभाग के ये दोनों अंग देश की जनता को दिल से दिल जोड़ने का कार्य करती हैं और पिछले 10 वर्षों में इस विभाग में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लाई गई है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि एक मौका मुझे दिया गया है। तो निश्चित तौर पर जया, जिम्मेदारियां तो दी गई हैं, लेकिन जिम्मेदारियों के साथ साथ चुनौतियां भी रहेंगी, क्योंकि अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो अब तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल उनका लंबा वक्त रहा, मुख्यमंत्री के कार्यकाल उन्होंने संभाला, लेकिन अब चूंकि उन्हें जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री की दी गई है, तो किस तरह से वो सुधारेंगे और क्या कुछ चुनौती होंगी वो भी बताइए। चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं शिवराज सिंह चौहान के सामने क्या कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। दरअसल अब बड़ा विभाग उन्हें मिला है, तो देश के किसानों की हालत में सुधार करना, किसानों के असंतोष को दूर करना, एमएसपी प्रणाली जिसकी मांग लगातार किसानों की ओर से की जाती रही इसमें जरूरी सुधार करना, इसके साथ ही एग्रो मार्केटिंग का ढांचा तैयार करके आगे बढ़ना, किसानों की आय दोगुनी करना, ये तमाम ऐसी चुनौतियां होंगी जो शिवराज सिंह चौहान के सामने, केंद्रीय कृषि मंत्री के सामने पेश आ सकती हैं। निश्चित तौर पर, और कृषि बिल को लेकर किस तरह की स्थितियां पूरे देश में बनी, पहले कृषि बिल लाया गया और फिर उसे किसानों के लंबे विरोध के बाद वापस भी लिया गया, तो क्या अब आगे कुछ इस तरह की बिलों को लेकर या इस तरह की स्थितियां ना बने कि जहां सरकार को बैक होना पड़े, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान के कंधों पर रहेगी। निश्चित तौर पर, और सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ मनोज जी इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़ गए हैं। मनोज जी, मध्य प्रदेश के दो बड़े चेहरे जिन्होंने अपने अपने मंत्रालय संभाल लिए हैं, पदभार ग्रहण कर लिया है, लेकिन खास बात अगर जो शिवराज सिंह चौहान की जाए, किसान परिवार से आते हैं, जिस मंत्रालय में उनकी रुचि रही, जिस विभाग में उनकी रुचि रही, उसी के मुताबिक उन्हें सौंपा भी गया है, लेकिन क्या चुनौतियां उनके सामने पेश आ सकती हैं और कैसे इससे पार पाया जाएगा, अगर हम शिवराज जी की भी बात करें और सिंधिया जी की भी बात करें। दोनों नेता बहुत ही अलग तरह के नेता है, और खासकर शिवराज जी की जब बात करते हैं तो शिवराज जी तो हमेशा चुनौतियों से जूझते रहे हैं, उनको पता है कि चुनौतियों से कैसे जूझना, कैसे आगे बढ़ना है। बहुत निचले स्तर से उन्होंने काम शुरू किया, गांव से निकले हैं, किसान का बेटा वो अपने आप को हमेशा कहते हैं, और मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य था जिसने एक नहीं 3-3 बार कृषि कर्मण अवार्ड उन्हीं के नेतृत्व में लिए, और इसीलिए शायद उनका कृषि कल्याण विभाग जैसा विभाग मिला है, बहुत भारी भरकम विभाग है। चुनौतियां की बात करें तो जिनका आप अभी जिक्र कर रही थी, जब हम देख रहे हैं कि खासकर पंजाब हरियाणा और बाकी किसान एमएसपी और तमाम सारे मुद्दों को लेकर मुद्दा बनाए हुए हैं, हालांकि वो बहुत चल नहीं पाया, उसका असर लोकसभा में दिखा हरियाणा और पंजाब में, तो वो सबसे बड़ी चुनौती होगी कि शिवराज जी उसको कैसे दूर कर पाते।
दूसरा ये है कि कई जगह से किसानों को लेकर बातें उठती रही, खासकर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भी एक बड़ी जिम्मेदारी है सरकार के सामने, वहाँ के किसान हमेशा आंदोलन करते रहे, हालांकि उस तरह का आंदोलन पंजाब और हरियाणा जैसा दिखाई नहीं दिया, उसको भी देखना होगा। पर शिवराज जी के पास वो तमाम तरह की खूबियाँ हैं, वो योजनाओं को जानते हैं, वो हर किसान की नब्ज, गरीब की नब्ज पकड़ना जानते हैं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी मोदी की सरकार ने उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। कृषि जो, इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग है, आप इसी से समझिए कि देश में सबसे भारी भरकम विभाग किसी को मिले हैं तो वो शिवराज सिंह चौहान को मिले। 18 साल की सरकार उन्होंने चलाई है अलग अलग परिस्थितियों में, तो वो जानते हैं, बहुत अनुभव है उनके पास, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चुनौतियां होंगी। लेकिन चुनौतियों के बीच में काम करने का अपना आनंद है और शिवराज जी भरपूर आनंद लेते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने जरूर चुनौती इस बात की है कि दूरदर्शन या हम टेलीकॉम विभाग जिसकी बात करें, वो जरूर उस स्थिति में नहीं है, तो उनको उस दौर में वापस लाना पड़ेगा जब कभी BSNL की चर्चा हुआ करती थी और मोदी ने शायद इसलिए उन पर विश्वास किया होगा। निश्चित तौर पर, क्योंकि जब वो नागरिक उड्डयन मंत्री थे तो उस समय भी 2 साल के कार्यकाल में उन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है, तो ऐसे में बहुत उम्मीदें हैं कि जब ये टेलीकॉम मंत्रालय उन्हें दिया गया है, ये मिनिस्ट्री उन्हें सौंपी गई है, तो इस क्षेत्र में भी वो बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी तमाम बातचीत के लिए।